नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश एजुटेक में। जी हाँ, छात्रवृत्ति भरने का जो वक्त है वो आ चुका है और ऐसे में छात्र तमाम सारे छात्र लगातार छात्रवृत्ति का फॉर्म जो है वो भरना शुरू कर दिए हैं, मगर उनके फॉर्म भरने के दौरान कई सारी तमाम समस्याओं को देखा जा सकता है। उन तमाम समस्याओं में जैसे कि सर्वर इरर हो जाना, प्रोसेस नेक्स्ट स्टेप ना होना एवं VR प्रोसेसिंग की समस्या, ये तमाम सारी चीज़ों को इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूँ। कंप्लीट सलूशन बताऊँगा कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसका क्या सलूशन है। और इस सत्र में अगर आपको छात्रवृत्ति चाहिए तो क्या काम करना है ज़रूरी, तो वीडियो में मतलब बने रहना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो बिना देरी किए हुए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट करें, ऐसे ही पल पल की ऑथेंटिक न्यूज़ सबसे पहले जानने के लिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यार, सबसे पहले बात करते हैं कि क्या वो तमाम समस्याएं हैं। तो सबसे पहला समस्या जो छात्रों के सामने आ रहा है वो है VR सवारी लिखा आ रहा है। जी हाँ, VR सवारी लिखा आ रहा है और ऐसे में छात्र काफ़ी परेशान हैं। तो इसका कोई खास सलूशन नहीं है, सर्वर प्रॉब्लम है। एक दो दिन बाद, कुछ घंटों बाद चेकआउट करोगे सही देखने को मिलेगा। चलिए अब हम बात करते हैं गाइस अगले प्रॉब्लम। तो गाइज यार, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन 2022-23 हम बात कर रहे हैं नए सत्र के स्कॉलरशिप फॉर्म में। और यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के लिए जब हम फॉर्म को खोलते हैं तो सिंपल सा देखिए इंटरफेस ओपन होके आ जाता है, जहाँ से आपको अपना रिन्यूअल या फिर फ्रेश जिस भी कैटेगरी में जो सा भी फॉर्म भरना है आप भर सकते हो। कुछ समस्याएँ जो छात्रों के साथ और आ रहे हैं, VR प्रोसेसिंग लिखा जाता है। देखिए अभी ये कोई मेजर समस्या नहीं है, ना ही वेबसाइट पर कोई लोड है। तो अगर ऐसी समस्याएं आती हैं तो 10 से 5 मिनट बाद फिर से आप ट्राई करो, सारा कुछ सॉल्व आउट होके मिलेगा, समझ गए। लेकिन जब स्कॉलरशिप का डेट खत्मी खत्मा पर होगा उस दौरान जो समस्याएं आएंगी वो बड़ी तौर पे आएंगी, समझ रहे हो। उस दौरान आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है, अभी बहरहाल आप फ्री रहिए और ऐसी समस्याओं के लिए कोई खास परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको हम और भी बता देते हैं, यहाँ से गाइज बैक करके सिंपली आपको यहाँ देखिए विजिट होम पेज पे हम चले आते हैं। और जैसे हम यहाँ पे होम पेज पे चले आते हैं आप देख सकते हो आपको कई सारे लिंक्स देखने को मिल जाएंगे, तमाम सारे माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए अलग नंबर, इसके अलावा बैकवर्ड कैटेगरी के छात्रों के लिए अलग टोल फ्री नंबर। इन टोल फ्री नंबर पर आप बातचीत भी कर सकते हो। अभी के लिए बता दूँ, लास्ट डेट जो है वो मे बी 15 सितंबर तक हो, उसको बढ़ा के 31 सितंबर कर दिया किया जा सकता है या 30 सितंबर तक, जो भी हो। मगर अभी के लिए आप लोग टेंशन फ्री रहिए और कोशिश कीजिएगा कि जितना जल्दी हो सके फीस वीस जमा करके जो भी डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं उनको बनवा के स्कॉलरशिप का फॉर्म भर दीजिए, जिससे कि आपको इस सत्र में छात्रवृत्ति प्राप्त करने में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम का सामना न करना पड़े। होप आप लोग सारी बातों को समझ गए होंगे। छात्रवृत्ति में क्या ज़रूरी एहतियात बरतने हैं, क्या वो कदम कदम पे प्रॉपर आपको गाइडलाइंस चाहिए, इसीलिए आपको इस चैनल के साथ जुड़ना होगा। जो लोग चैनल को पहले से सब्सक्राइब किए हैं अच्छी बात है, मगर जो लोग अभी तक नहीं किए हैं वो लोग जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करते हुए घंटी के बटन को दबा दें और आल पे क्लिक कर दें, जिससे कि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊँ आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले और सबसे बेहतर तरीके से मालूम चल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।